यहाँ पे Z800 चाहिए थी यार। है यार थोड़े बहुत इश्यूज रॉयल इनफील्ड में, क्लच कैसा वाइब्रेट करता है। करे टॉप स्पीड चेक, आई डोंट थिंक कि ये 110 से ऊपर जाएगी। जा रही है, जा रही है। ये मिरर्स है ना, ये यूजलेस है, कुछ दिखता ही नहीं है। वो ट्रक में जा रहे लोग कैसे देख रहे हैं। अभी निकले हैं वापस AS क्लब की तरफ। सो, यहाँ से राइट लेंगे तो भद्रा मारुति आएगा, यहाँ से लेफ्ट लेंगे तो एलोरा। सो, आज हम जाएंगे एलोरा के साइड। यहाँ का व्यू बहुत ही प्यारा है यार। यहाँ पे Z800 चाहिए थी यार, बट कोई नहीं, उसको भी लेके आएंगे ज़रूर जल्दी। फिलहाल तो मुझे इनके साथ साथ ही रहना है, क्योंकि बाकी के आगे चले गए। ये जो आगे चल रहे हैं ना, इनका पेट्रोल ख़त्म हो गया था, तो वो पेट्रोल भर रहे थे, तो हम रुके थे साथ में। सो, अभी बाकी तो आगे है, अभी हम जा रहे हैं। लुक एट द व्यू गाइज, कितना प्यारा लगता है ना, ऐसे दोनों साइड झाड़, बीच में अच्छा रोड एंड गुड राइड विद गुड पीपल। सो, यहाँ पहुँच गए हैं हम एलोरा। सो, ये एलोरा के एंट्रेंस है, इधर से ही टिकट वगैरह खरीद के अंदर एंट्री मिलती है। सो, इसका भी ब्लॉग बनाने आएंगे कभी ना कभी, बट फिलहाल तो लेट्स फोकस ऑन द राइड। सो, यहाँ हम टच कर रहे हैं मेन हाईवे पे। सो, यहाँ से डायरेक्ट जाएंगे AS क्लब की तरफ। अब इसको खींचेंगे प्रॉपर तरीके से। ये देखो, हाथ छोड़ते से क्लच कैसा वाइब्रेट करता है। हाँ, है यार थोड़े बहुत इश्यूज रॉयल इनफील्ड में वाइब्रेशन को लेके। लेट्स सी कितना जाती है रॉयल इनफील्ड। करें टॉप स्पीड चेक, फिलहाल तो 100 पे है। फुल थ्रॉटल पकड़ के रखा है मैंने वैसे। आई डोंट थिंक कि ये 110 से ऊपर जाएगी भी। फिलहाल तो 110 भी नहीं टच कर पा रही है। चेक आउट द रोड गाइस, एक नंबर रास्ता है। आई विश यार इधर Z800 हमारे पास हो जाएगा। थ्रॉटल खींच के रखा हूँ, लेट्स सी कि कितना जाती है। ₹110 इज द मैक्स आई थिंक। जा रही है 120 तक जा रही है। टच नहीं किया अभी तक 120, बट आई थिंक जाएगी। तो
अभी टोल क्रॉस कर दिया है हमने, आई थिंक इन 10-15 मिनट्स पहुंच जाएंगे। डीटी का भी अच्छा साउंड है यार, बहुत ही प्यारा साउंड कर रही है। ये मिरर्स है ना, ये यूजलेस है, बार बार सेट करना पड़ रहा है। वो क्या हो रहा है ना, हवा की वजह से नीचे हो जा रहे हो। वैसे बहुत टाइट है, सिटी यूज के लिए ठीक है बट नॉट फॉर हाईवे। और इसके रॉयल इनफील्ड के स्टॉक मिरर्स तो पूछो ही मत, वो होके ना होने जैसा है क्योंकि उसमें कुछ दिखता ही नहीं है। सो अभी NH-52 से एग्जिट ले रहे रिएक्शन गाइस, वो ट्रक में जा रहे लोग कैसे देख रहे। सो इधर आ गए अभिषेक भैया के जिम पे। सो दिस इज वन टी ब्रेक एंड आपको जिम भी दिखाता हूँ कैसा है। Oh, that's the end.